हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हाँ शोभना जुनेजा, योगा ते वेलनेस कोच ते पीटीसी पंजाबी ते तुहाडा सारयां दा स्वागत है। जिवें कि असीं जानदे हां योगा सदियां तो चलदा जा रहा है ते इस टाइम ते अज दे वेले सानू योगा दी सब तो ज़्यादा लोड़ है ते इंपॉर्टेंट है कि आपां अपनी लाइफ विच एटलीस्ट 20 मिनट्स दा योगा जरूर प्रैक्टिस करिए। तो तुहाडे नाल अज मैं इस टाइप का योगा प्रैक्टिस करवावांगी जिसके नाल तुहाडी ओवरऑल हैल्थ, वेलबींग, ब्रीदिंग, एवरीथिंग, सारा का सारा तुहाडा सिस्टम इनहेंस करता है, इंप्रूव करता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए लेट अस स्टार्ट सम नाइस योगा रूटीन फॉर ओवरऑल हैल्थ। टेक अ मैट, आप मैट ते बवांगे, लैग्स नू क्रॉस करते हुए लेट अस स्टार्ट। Hands on the knees, back straight, deep breathing, very good. आप हथेलियों नू रब करांगे चंगी तरह ते पूरा वार्म्थ, पूरी हीलिंग शुरू करन तो पहला हीलिंग, लव ते वार्म्थ आपकी पूरी बॉडी नू आपा ट्रांसफर करांगे। वेरी गुड। योगा शुरू करने आपा सटल एक्सरसाइजेस दे नाल, सिंपल एक्सरसाइजेस दे नाल। सब तो पहला आपा कर सकते हैं वेरी वेरी सिंपल रिस्ट रोटेशन। मेरे नाल नाल बैठे बैठे तुसी इस नू प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल एक्सरसाइज बट बहुत ही इफेक्टिव। लंबे गहरे सांस लेंदे हुए इनहेलेशन एक्सहेलेशन लंबा ते गहरा करते हुए डीप ब्रीदिंग करते हुए तो थोड़ा जा आप शोल्डर्स नू भी मोबिलाइज कर लेने हां, बिकॉज आप शोल्डर्स ते बहुत सारी टेंशन नू स्टोर करके रखने हां जदों आप काम करने हां। तो जदों आप कोई टेंशन वाला थॉट भी लेके आ रहे होने आप थॉट्स दे नाल शोल्डर्स बहुत टेंस हो जाने, सो आप इनू रिलैक्स करांगे। शोल्डर्स अप, फील द टेंशन, drop, let it go. इसको देखने के लिए सो शोल्डर एक्सरसाइजेस आप करेंगे शोल्डर्स को टेंशन नू दूर करने लिए। शोल्डर श्रग, फील द टेंशन, ड्रॉप, लेट इट गो। चार से पांच बारी श्रग, drop, shrug, drop, shrug, feel the tension, drop, ek bari hor, shrug, feel the tension, drop and let it go. So shoulder wrist karan to baad thodi ji aapa side side movement karange cross leg baith ke, je tusi is tarike naal baith sakte ho well and good, otherwise tusi simple enu sukhasan kehne is tarike naal bhi baith sakte ho. क्रॉस लेग बैठ के राइट हैंड डाउन लेफ्ट आर्म अप, डीप ब्रीदिंग, साइड स्ट्रेच। ये त्रिकोण आसन की तरह सानू बैठे बैठे पूरे बेनिफिट्स देता है साइड स्ट्रेच से। डीप ब्रीदिंग, सिमिलरली बैठे हुए त्रिकोण आसन स्ट्रेचिंग अदर साइड, स्पाइन दे लई बहुत ही लाभकारी, बहुत ही बेनिफिशियल। इस दो बार होर प्रैक्टिस करांगे साइड स्ट्रेच डीप ब्रीदिंग दे नाल। जिन्ना हो सके तुसी फील करो स्ट्रेच अपनी वेस्ट ते, जिन्ना हो सके लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ दे नाल अपने पूरी बॉडी नू नरिश करना है। अदर साइड, वन मोर टाइम साइड स्ट्रेच, एंड लास्ट टाइम साइड स्ट्रेच लेफ्ट साइड पे। वेरी
वेरी गुड। ये है त्रिकोण आसन सीटेड, बैठे बैठे आपका साइड स्ट्रेच दे देता, स्पाइन रिलैक्स कर देता, स्ट्रेच भी कर देता। हम बैठे बैठे आप अंगड़ाई कि ले सकते हैं, ताड़ आसन कि कर सकते हैं। इनहेल कर दो मेरे नाल नाल, आर्म्स अप, फिंगर्स इंटरलॉक्ड एंड पाम्स टू द सीलिंग, हथेलियों आप सीलिंग की तरफ पॉइंट करना है। एंड लंबे गहरे 5 ब्रेथ्स, चंगी तरह स्ट्रेच करना है, तुहानू स्ट्रेच अपने एबडोमिन ते बैली ते भी फील होना चाहिए। वेरी गुड। सो बैठे बैठे आप 2-3 बारी साइड ते बाद ताड़ासन स्ट्रेच कर सकते हैं, पूरी बॉडी नू एक्टिव करता है। वेरी गुड। तो तुसी स्माइल करते हुए अपनी योगा प्रैक्टिस करनी है ताकि तुहानू होर बेनिफिट्स मिल सके, राइट। इसके बाद आप करेंगे कैट पोज, राइट। कैट पोज किमें करना है, इसको प्लीज ऑब्जर्व करना है। नीज ते हैंड्स ते फीट अपन प्लेस करने हैं मैट ते। देखो नीज ते हिप्स एक लाइन विच ते अपनी रिस्ट ते शोल्डर्स एक लाइन विच, हल्का जहा नीज विच गैप रखना है। तुसी अपने टोज अंदर की तरफ रख सकते हो, ये सिंपल है, इफेक्टिव है। जेकर तुहानू लगे नीज ते प्रेशर आ रहा है तो तुसी कुशन इत्थे प्लेस कर सकते हो, राइट। दिस इज कैट पोज। कैट पोज विच असी स्पाइन नू मोबिलाइज करांगे ब्रेथ दे नाल। प्लीज ऑब्जर्व, इनहेल करते हुए हेड अप, स्पाइन अंदर की तरफ, एक्सहेल करते हुए हेड डाउन, टमी अंदर की तरफ। इनहेल मेरे नाल, हेड अप, स्पाइन अंदर, एक्सहेल हेड डाउन, स्क्वीज कर लो अपनी पूरी एबडोमिन नू बेली रीजन नू। 3 बारी होर इनू प्रैक्टिस करेंगे कैट एंड काउ स्ट्रेच नू ब्रीदिंग दे नाल। इनहेल हेड अप, एक्सहेल साथ छड़दे हुए टमी अंदर, स्पाइन अप, इनहेल हेड अप, स्पाइन इन, एक्सहेल हेड डाउन, स्पाइन अप। वन मोर टाइम लेट अस डू इट, इनहेल हेड अप, स्पाइन इन, exhale head down spine up, very good, relax करना है। so cat and cow सारी back लिए बहुत effective है, back नू strengthen करता है, flexible बनाता है, ते mind नू भी relax करना है। तुसी किवें relax कर सकते हो, या तो तुसी अपनी chin नू hands विच रख सकते हो, या फिर तुसी दोनों hands दी fists बना के मुठियां बना के उस ते अपना forehead relax करना है। ये है बाल आसन, चाइल्ड्स पोज। कैट एंड काउ दे बाद एटलीस्ट 10-20 सेकेंड्स आप बाल आसन विच डीप ब्रीदिंग करते हुए रिलैक्स करना है। वेरी गुड। बाल आसन तो बाद आवांगे आप वज्र आसन विच। वज्र आसन बिगनर्स लिए थोड़ा जहा टफ है, जो तुहानू बहुत तकलीफ है तुसी इत्थे कुशन रख सकते हो, अदरवाइज जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स तुसी ट्राई करो वज्र आसन विच बैठन दी। बिकॉज वज्र आसन एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के इमीजिएटली बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज योगा आसन या योगा प्रैक्टिस का खाने दे विच ते प्रैक्टिस करने दे विच एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। बट वज्र आसन सानू हेल्प करता है डाइजेशन नू इनहेंस करने लिए, ते ट्राई करो कि आप सारे वज्र आसन नू मास्टर कर सकिए, राइट। बैक सीधे रखते हुए हथा नू आप थाई से रिलैक्स करना है, फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड, लंबे गहरे ब्रेथ्स, जेकर तुहाडी बॉडी हर्ट कर रही हो तो तुसी बाहर आ सकते हो आसन विच,
अदरवाइज ट्राई योर बेस्ट टू मेंटेन द आसन. वेरी गुड. वज्र आसन तो बाद आप ट्राई करेंगे भुजंग आसन. तो आप की करना है, आप टमी तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है. सो भुजंग आसन योगी इज द फेवरेट आसन है बिकॉज एक तो बैक नु स्ट्रेंथन करता है, दूजा अपनी एबडोमिन टोनिंग लिए बहुत ही वधिया आसन है. राइट. सो आप फीट नु जोड़ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा जा पार्ट रख के भी. जेकर साड़ी बैक च पेन है तो फीट पार्ट, अदरवाइज फीट जोड़ के, इससे ज़्यादा बेनीफिट्स ने. हैंड्स नु आप शोल्डरस के साइड पर रखिया, थले रखिया. फोरहेड इनिशियली डाउन रखना है तो फिर इनहेल करते हुए हेयर अप चेस्ट अप. तुसी अपने आर्म्स को स्ट्रेट भी रख सकते हो जेकर तुसी बिगनर हो, अदरवाइज एल्बोज बेंड दे नाल तुसी अपनी मसल्स नु भी डेवलप करते हो आर्म्स दी. हेयर अप, लंबे गहरे 5 ब्रेथ्स. वेरी गुड. रिलैक्स करना है भुजंग आसन कोबरा पोज के बाद फिर से बाल आसन विच. सो आप स्टमक के लिए दो आसन होर करांगे. फर्स्ट वॉज भुजंग आसन, सेकेंड इज आवर नौका आसन. सो नौका आसन ना ही सिर्फ अपनी टमी नू टोन करता है, एबडोमिनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग नू इंप्रूव करता है, बैक नू स्ट्रेंथन करता है, बट नौका आसन सानू डीप ब्रीदिंग के लिए भी बहुत हेल्प करता है बिकॉज आजकल सानू डीप ब्रीदिंग की बहुत लोड़ है. राइट. अपनी लंग्स नू इनहेंस करने की, उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी इनहेंस करने की. तो बड़ा ही सिंपल है, आप इन प्रैक्टिस कर सकते हैं. सुपरमैन की तरह, सुपर वुमन की तरह, आर्म्स अप, लेग्स अप, जिन्ना हो सके कंफर्टेबली तुसी अपनी बॉडी नू रेज करना है ते सारा दा सारा वेट टमी ते एबडोमिन ते प्लेस करना है. लॉन्ग डीप ब्रेथ्स. ट्राई करो जिन्ना हो सके अपनी फोकस नू सामने की तरफ या ऊपर की तरफ. लेट अस टेक 5 डीप ब्रेथ्स हियर. वेरी गुड. रिलैक्स करना है. थर्ड आसन करन तो बाद, करन तो पहला आप थोड़ा सा रिलैक्स करांगे मकर आसन विच. इन प्रोन लाइन ब्रीदिंग भी आप कहने हैं, ये अपने आप विच आसन है ते एक ब्रेक भी है. मकर आसन आजकल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एबडोमिनल ब्रीदिंग दे लई, ऑक्सीजन सैचुरेशन नू बॉडी विच इनहेंस करन लई, बिकॉज इस तरीके नाल आप ज्यादा चंगे तरीके नाल ऑक्सीजन ले सकते हैं ते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. वेरी गुड. लास्ट आसन आप करन वाले हाँ एबडोमिनल टोनिंग लिए, वो है धनुरासन. धनुरासन ध्यान नाल करना है, जे तुसी बहुत बिगनर हो तो इट इज़ ओके जे तुहानू कंप्लीटली नहीं हो पाता, बट तुसी ट्राई जरूर करना है. राइट. एंकल्स नू होल्ड करके इनहेल करते हुए थाइज अप, हेड अप, चेस्ट अप. गुड. पूरी बैक दी स्ट्रेचिंग, टमी दी स्ट्रेचिंग. 5 डीप ब्रेथ्स हियर एंड विद अ स्माइल. वेरी गुड. अपनी बॉडी नो पीछे स्क्वीज करना है बालासन विच. वेरी नाइस. इस तो बाद आप आसन करन वाले हाँ फर्दर अपनी ब्लड सर्कुलेशन नो इंप्रूव करन लई. बैक ते लेटना है, नीज बेंड, आर्म्स रेस्टिंग ऑन द साइड्स. डीप ब्रीदिंग करनी है. फर्स्ट आसन है अर्ध पवन आसन. लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट लेग बेंट. राइट लेग नू आपा प्रेस करना है, थाई नू प्रेस करना है एबडोमिन ते. वेरी गुड फॉर द बैक, वेरी गुड फॉर द टमी.
जेकर नी प्रॉब्लम है तो तुसी अपने ग्रिप नू नी दे नीचे रख सकने हो। वेरी गुड। जे तुहाडी नेक अलाउ करदी है तो तुसी हेड नू रेज करके चिन या नोज नू टच कर सकते हो। वेरी गुड। सिमिलरली अदर साइड पवनासन, वन लेग स्ट्रेट, अदर लेग बेंड। वेरी गुड। टाइटली प्रेस करते हुए ब्रीदिंग करना है। देन इफ आवर नेक अलाउज देन हेड लिफ्ट करके टच करना है चिन नू या नोज नू। वेरी गुड। नीज बेंड, फीट डाउन, हल्का हल्का हेड नू आपा टर्न करना है साइड टू रिलैक्स द नेक। इस तो बाद एक बहुत ही बेनिफिशियल आसन है अपनी पूरी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने लिए, वो है उत्तान पादासन। इसके लिए आपा की करेंगे दोनों आर्म्स नू बॉडी के नीचे प्लेस करके लेग्स टुगेदर फीट टुगेदर स्लोली इनहेल करते हुए लेग्स अप 90 डिग्रीज, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, टू मोर टाइम्स, अप डाउन एंड नाउ वन मोर टाइम अप। नाउ होल्ड हियर, इधर ऐसे होल्ड करके आप लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स लेने, एटलीस्ट 5 ब्रेथ्स। वेरी गुड। होल्ड करते रहें, ब्रीथ करते रहें। इस तो आप होल्ड पे ब्रीथ करना है, सारी ब्लड सर्कुलेशन हार्ट नू ब्रेन नू फेस नू नरिश कर रही है। स्लोली बोथ द लेग्स डाउन, नीज बेंड, आर्म्स स्प्रेड ऑन द साइड्स, बैक नू रिलैक्स करना है बिकॉज समटाइम्स जो आप लेग्स नू रेस करने हैं थोड़ा जब बैक टेंस फील कर दिए तो आप हल्का हल्का नीज नू साइड पर लेके बैक नू रिलैक्स करना है। वन मोर आसन दैट वी विल डू फॉर द बैक इज सेतु बंदासन, ब्रिज पोज। वेरी वेरी गुड फॉर एवरी वन एंड वेरी वेरी गुड फॉर द माइंड, नर्वस सिस्टम ले, ब्लड सर्कुलेशन ले, स्पाइन ले, हार्ट ले, पूरे बॉडी ऑर्गन्स ले बहुत ही वधिया आसन है सेतु बंदासन। जिमें नेम सजेस्ट करता है ब्रिज की तरह आप बॉडी नो रेस करना है एंड देन होल्ड योर बैक, बैक नो असी होल्ड करना है। ब्रीदिंग है, वेरी गुड। पवन आसन, दोनों थाइज नू प्रेस करना है। इफ योर नेक अलाउज देन हेड अप, नोज टू द नीज। वेरी गुड। हल्का हल्का बैक नू रोलिंग करांगे ताकि जरा कोई स्ट्रेन आ जाए योगा प्रैक्टिस करते हुए आप रिलीज कर पाइए। वेरी गुड। जेकर तुसी फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके नाल अपनी बॉडी नू रॉक कर सकते हो प्लीज ट्राई दैट एंड देन सिट अप। वेरी गुड। नाउ असी बैठ के करांगे बटरफ्लाई या भद्रासन, फीट नू जोड़ के होल्ड करके फ्लैप योर थाइज बैक स्ट्रेट, आइज नू बंद रख के डीप ब्रीदिंग करते हुए स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए लेट अस डू दिस आसन, लेट अस डू द फ्लैपिंग। ये आसन सारी पूरे हिप्स तो बैक तो स्टिफनेस नू रिमूव करता है बिकॉज आजकल दे टाइम ते साडा बहुत ज़्यादा सिटिंग रूटीन हो गया है। सो जे असी इस नू प्रैक्टिस करेंगे भद्रासन ते ना ही सिर्फ आप साडी बॉडी फ्लैक्सीबल एंड स्ट्रोंग फील करेगी बट माइंड बहुत हैप्पी फील करेगा बिकॉज आप सारी टेंशन जिहड़ी हुंदी है माइंड दी आप हिप्स ते एक्यूमुलेट कर लैंदे हां। तो जो आप इस आसन प्रैक्टिस करने आप बड़े नैचुरली बड़े ऑटोमैटिकली हैप्पी फील करने बिकॉज टेंशन रिलीज हो रही है।
वेरी गुड। भद्रासन करने तो बाद हल्का जो आप बॉडी नु ट्विस्ट करांगे, बैठे हुए ही लेफ्ट हैंड नु राइट नीचे रखना है, राइट आर्म पीछे रैप करते हुए ट्विस्ट योर बॉडी। डीप ब्रीदिंग, ये स्पाइनल ट्विस्ट सारे स्पाइन नु फ्लेक्सिबल बनाता है, ते मेंटली ते नर्वस सिस्टम नु आपने रिलैक्स करता है, काम डाउन करता है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट नी, लेफ्ट आर्म पीछे रैप, डीप ब्रीदिंग। वेरी गुड। हुन थोड़ा जा एजाइल होंदे हुए अपना सेशन नू फिनिश कर दे, आपा दो खड़े होके आसन करने हैं, तो मेरे नाल तुसी रेडी हो जाओ, उससे बाद अपना शव आसन है। तो आपा की करना है, विद और विदाउट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द हैंड्स, जेकर तुसी लगता है कि तुहानू सपोर्ट लेके खड़े होना है, तुसी हाथ थले रख सकते हो, अदरवाइज ट्राई विदाउट टेकिंग द सपोर्ट स्टैंड अप। वेरी गुड। दोनों फीट विच आपा हल्का जो डिस्टेंस रखना है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना, राइट। खड़े होके आप दो आसन प्रैक्टिस करेंगे। पहला है वृक्षासन, जो कि योगी इज द फेवरेट है, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग आसन है, ते नाल दे नाल सानू बैलेंस करन दा, कॉन्सेंट्रेशन करन दा भी एक स्किल डेवलप करवांदा है। राइट लेग दे उते पहले आप बैलेंस करेंगे, तो तुसी अपनी लेफ्ट फुट नू या तो डाउन रख सकते हो, या थोड़ा जा उते रख के आर्म स्प्रेड करके स्माइल करते हुए slowly join your hands, hold the asan, breathe here. एक point नू सामने वेखना है दीवार ते, तो उस point नू वेखते हुए concentrate करते हुए तुसी आसन नू hold करांगे। Very good. इसी तरीके नाल आप दूसरी साइड से भी करना है, बिकॉज योगा का मतलब है दोनों साइड से बैलेंस लेके आना, पूरा बॉडी माइंड स्पिरिट हार्ट विच बैलेंस लेके आना। इनहेल करते हुए आर्म्स स्प्रेड किया, एक्सहेल करते हुए साथ छोड़ते हुए दोनों हैंड्स नू जॉइन किया प्रेयर पोजिशन विच, सामने एक पॉइंट नू वेख्या, मन की शांति, तन द बैलेंस, वृक्षासन। वेरी गुड। लास्ट आसन जिहड़ा आपां करन वाले हाँ वह है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन पूरी लैग्स नू स्ट्रेंथ देंदा है, ते नाल दे नाल अपने स्पाइन नू भी फ्लैक्सीबल बनाउंदा है, ते बेस्ट हैगा अपनी चेस्ट नू भी ज़्यादा स्पेस देंदा है ब्रीदिंग वास्ते। सो पहले आपां की करांगे, राइट फुट नू टर्न करते हुए, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट आर्म अप। रिमेंबर हल्की जी स्माइल, ते डीप ब्रीदिंग करते हुए इस पूरा योगा प्रैक्टिस करना है। वेरी गुड। नाउ लेफ्ट फुट टर्न्ड, स्लोली बेंडिंग टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट एंकल की तरफ, राइट आर्म अप, जेंटल स्माइल, डीप ब्रीदिंग। वेरी गुड। फीट अंदर, नाउ स्लोली आपनों अपना वाइंड अप करना है, बट छोटे जे चैलेंज दे नाल आपा वाइंड अप करांगे अपनी योगा प्रैक्टिस नू। फीट नू शोल्डर जितना पार्ट रख के आर्म सामने करते हुए इनहेल, जिवें आपा एक्सहेल करने आ, स्लोली नीज नू बेंड करते हुए वील सिट डाउन, स्लो 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 स्लो। वेरी गुड। सिटिंग, जड़े आप योगा प्रैक्टिस किया है, आसन नू प्रैक्टिस किया है, उनकी एनर्जी सारी बॉडी माइंड विच एब्जॉर्ब हो पाए। सो लेट अस टेक दी ब्रेथ्स। जेकर असी चाहिए तो जस्ट फॉर अ वाइल
ਸ਼ਵ ਆਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਵ ਆਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਇਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਪ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਢੀਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਰਿਲੈਕਸ ਅਤੇ ਲੂਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਫੀਟ ਅਪਾਰਟ ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਅਪਾਰਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੈਲੀ ਤੋਂ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਬਾਡੀ ਤਿੰਨ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਥ੍ਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰੈਥਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਟੋਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਨ ਟੁਵਰਡਸ ਵਨ ਸਾਈਡ ਟੇਕ ਦ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹੈਂਡ ਸਲੋਲੀ ਸਿਟ ਅਪ ਰਬ ਯੋਰ ਪਾਮਸ ਸਾਰਾ ਵਾਰਮ ਹੈਡ ਨੂੰ ਨੈਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ